हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू 360 गन। दोस्तों, फाइनली आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के नॉर्थन रेलवे वाले कैंडिडेटों के यहाँ पर फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इनके मेडिकल कब से शुरू होने वाले हैं उसी संबंध में महत्वपूर्ण कुछ जानकारी दूंगा, और एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेटों के यहाँ पर एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक ऑफिशियली यहाँ पर एडमिट कार्ड है एक कैंडिडेट का, यहाँ पर नॉर्थन रेलवे का है दोस्तों। 17/8/2019 को एडमिट कार्ड आया है। अब इनके यहाँ पर एडमिट कार्ड में आपका जो मेडिकल की डेट है इनको दोस्तों देखिए, 26 अगस्त को यहाँ पर सुबह 8:30 बजे इनको बुलाया गया है। मतलब आपका जो नॉर्थन रेलवे वाले कैंडिडेटों के यहाँ पर मेडिकल है दोस्तों, 26 अगस्त यहाँ पर शुरू हो गए हैं। इनको यहाँ पर जो मेडिकल होगा दोस्तों, SI डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर RPF NR ऑफिस फिरोजपुर पंजाब में इनका यहाँ पर मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों एक और एडमिट कार्ड बता देता हूँ एक और कैंडिडेट का, नॉर्थन रेलवे का। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी फर्जी नहीं है, ऑफिशियली है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर इनका जो मेडिकल होगा दोस्तों, देखिए आपका जो मेडिकल होगा RPF का दोस्तों, वे V1 कैटेगरी का होगा, जिस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है कि B1 कैटेगरी में आपका क्या क्या होता है RPF में। तो मेडिकल वाली उस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन कैंडिडेट का भी यहाँ पर मेडिकल 26 अगस्त को यहाँ पर होगा, सुबह 8:30 बजे यहाँ पर रिपोर्टिंग करना है। बट इनका दोस्तों जो सेंटर है यहाँ पर मेडिकल के लिए, इनको SI डिवीजनल सिक्योरिटी कमिश्नर RPF NR@DRM NR ऑफिस हजरतगंज लखनऊ में दोस्तों उनके यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी फेक नहीं है। फाइनली NR वालों के भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं ग्रुप डी के। अब दोस्तों इंतजार है आपका ग्रुप डी में NWR और NCR वालों के एडमिट कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपके 2-3 दिन में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे वाले और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेटों के भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। और डेट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप मान के चलिए 25 अगस्त के बाद ही यहाँ पर इन कैंडिडेटों के भी यहाँ पर मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वालों के। दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे वालों के यहाँ पर एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो गए हैं, उनकी मेडिकल की डेट भी आ चुकी है। अब दोस्तों देखिए, आपको मैं कुछ जरूरी जानकारी और दे देता हूँ। दोस्तों आपको देखिए, मेडिकल होगा उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वह आपका होता है एडमिट कार्ड। उसके बाद दोस्तों आपके जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है दोस्तों, आपका यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म को आपको जरूर ले जाना है। 3 पेज का आपका अटेस्टेशन फॉर्म होता है दोस्तों। आप अटेस्टेशन फॉर्म को RPF कॉन्स्टेबल की ऑफिशियली वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी कुछ जानकारी एकदम सही सही फिल करना है। इसकी दोस्तों आपको 3 कॉपी ले जाना होंगी। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है आपको, देखिए दोस्तों, अगर आप OBC या ST से हैं तो आपको सेंट्रल का ही यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अब दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो मैंने बना दी है तो उसको मैंने विस्तार से बताया है वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट को ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही मेरे पास RPF कॉन्स्टेबल से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल पर बता दूंगा, तो आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।